वालदेन का जो पहले दिन से मौकफ है कि बच्ची 14 साल की है, मेडिकल रिपोर्ट ने आज उस मौकफ की तायीद कर दी है। ये हम सब जानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आपको 1 से 2 साल की रेंज देती है, तो 14 साल की बच्ची 15 साल की रिपोर्ट में बताई जा रही है, ये बहुत माकूल बात है। और चूंकि 15 साल की है और अंडर 16 है, तो आपके तवसत से मैं सिंध पुलिस से भी मुखातिब हूँ और तमाम सूबे की हुकूमत से मुखातिब हूँ कि 16 साल की बच्ची की मेंटल स्टेट काउंट नहीं करती जब उसे घर से वर्गला के ले जाया जाता है या बाहर बुलाया जाता है, वो किडनैपिंग के ज़ुमरे में आता है। सेक्शन 361 363 बहुत वाजे है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इनके ऊपर बहुत वाजे हैं। 16 साल की बच्ची का से कम उम्र की बच्ची का निकाह आप सिंध में करें या पंजाब में करें, दोनों सूरतों के अंदर क्राइम है, इसमें कानून बहुत वाजे हैं। और 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी भी किस्म का जिंसी रिश्ता आप कायम करेंगे वो सिवेयर सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर आता है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये पुलिस भी इस बात से आगाह है, जिस मेडिकल रिपोर्ट का बहाना करके या जिस स्टेटमेंट का बहाना करके बग़ैर ये गौर किए हुए कि बच्ची ने किन हालात में स्टेटमेंट दिया है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाती रही है। आज मेरे ख्याल में सिंध की तारीख के सबसे बड़ा जो मेडिकल बोर्ड बना है 10 डॉक्टरों का, उन्होंने हतमी राय दे दी है कि बच्ची 15 के करीब तरीन है। तो इसके बाद मैं तवक्को करूंगा कि कल इसी वक्त 24 घंटे गुजरने से पहले सिंध पुलिस की गिरफ्त के अंदर ज़हीर अहमद होगा, जिसको वो बार बार मिलते रहे हैं, बार बार बुलाते रहे हैं, तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, आईओ साहब मुस्कुरा के तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, उसने बेल लेने की तौफीक नहीं की, वो एक किडनैपिंग के केस में वांटेड है मगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया, ये सवालिया निशान बन गया है। आज इस केस के बारे में पुलिस के आला हुकाम ने 2 हफ्ते पहले आपसे कहा था ये केस ख़त्म हो चुका है, इस केस में कुछ नहीं है। आज मेडिकल रिपोर्ट आपको बता रही कि इस केस की कभी ढंग से तफ्तीश ही नहीं की गई थी, तो ख़त्म आपने कैसे कर दिया। ये चार्जशीट है सिंध पुलिस के खिलाफ, ये चार्जशीट है सिंध हुकूमत के खिलाफ, ये चार्जशीट है पुराने आपके साहब का एजी जनरल के खिलाफ, जिन्होंने अदालत ने बोला था ये किडनैपिंग का केस ही बनता, बच्ची की स्टेटमेंट को देखिए। तो इस मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में और नाजरा डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में, जिनको हम पहले दिन से कह रहे थे कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी रोशनी में ये क्लियर ब्लैक एंड वाइट में किडनैपिंग का केस है, ये चाइल्ड मैरिज का केस है। और उसके बाद ये करंटली बच्ची इलीगल कन्फाइनमेंट में तसव्वुर की जाएगी। तो हमारी अब दुआ है कि मज़ीद इससे पहले कि हम अदालती कार्रवाई करें, जो हम कल करेंगे, चूँकि आज रिपोर्ट की हमें ट्रू कॉपी मिलेगी, उसके साथ हम दरख्वास्तें मज़ीद लगाएंगे, सिंध पुलिस आज हरकत के अंदर आ जाएगी, उनको पता चल जाएगा कोर्ट के और मीडिया के तवस्त से कि बच्ची कम उम्र है, पहले जितने उसके बयान थे वो झूठ पे मबनी है, और फौरी गिरफ्तारियां अमल में लाएगी। और जो वालदेन 2-2.5 महीने से कर्ब में मुबतला हैं, तकलीफ़ में मुबतला हैं, हर दर को खटखटाया है, हर दहलीज पर गए हैं, उनकी आप दादरसी करेंगे और उनकी बच्ची दोबारा उनकी आगोश में लुटाएंगे।